राम राम जी सबको जी। आप लोग करनाल में आप सबका स्वागत है। तो डीव सो रही है, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में भी देखा था कि वो नहाते ही सो जाती है, नहाने के जस्ट बाद ही वो सो जाती है और लंबी सोती है, 3 से 4 घंटे तो सोती है। और जी आ गई थी स्कूल से। हेलो बोलो जिया। हेलो। तो स्कूल का होमवर्क कर रही है अपना, कोई स्क्रैप बुक कुछ का, स्क्रैप बुक का ही कुछ काम कर रही है अपना। तो वैसाखी के लिए बना रहे हो एक्टिविटी वैसाखी के लिए? तो मैम ने ऐसे बोल दिया कि आपका होमवर्क आपको ही करना है। हाँ, मैम का भी मैसेज भी आया था कि वैसाखी है तो उसके लिए इन्होंने कोई एक्टिविटी करनी होगी एक और शीट पे, तो ऐसा कुछ कर रही है। और मैंने सुबह से तो कुछ शूट किया ही नहीं था क्योंकि मेरी है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। 1 वीक हो गया है, 5-6 दिन तो हो ही गए हैं मुझे। मुझे रात को नींद नहीं आती, किसी टाइम भी नींद नहीं आती, सारी रात मैं जाग के ही काटती हूँ। आज मुझे नींद आई रहती है मतलब, पर मैं सो नहीं पाती हूँ। या तो बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब अजीब सा ही रहता है, कुछ ढंग से अच्छे से नींद ले ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो अभी मोनू को कॉल की थी मैंने, मोनू को कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि थोड़ा सा काम रहता है, किसी और किसी सरपंच के पास गए हैं वो, वहाँ से फ्री हो के आते ही क्या हो गया बेटे? क्यों, क्या लग गया? कुछ लगता नहीं है, वैसे हो जाते कभी भी। तो वहाँ से आते ही मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाके देखते हैं क्या टेस्ट वगैरह करते हैं वो, उसमें क्या आता है कि बीपी बढ़ा है कि क्या प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेके आती हूँ फिर आपको, आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। आपको बोला था ना कि डॉक्टर पास जाएंगी, तो डॉक्टर के पास जाके आ चुके हैं। मम्मा बताओ। आ चुके हैं भाई, इधर दिखाओ। डॉक्टर के पास जाके आ चुके हैं, डॉक्टर ने कहा कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी अमृत धारा हॉस्पिटल में जाने के लिए बोला है, कि ये उन्होंने किसी डॉक्टर को सजेस्ट किया है कि उनके पास जाओ और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो इस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट हैं। तो अभी टाइम था नहीं मोनू के पास, वो जस्ट दिखा के मुझे डॉक्टर के पास और मुझे चले ही गए। तो जब उनको टाइम होगा इवनिंग में जाएंगे डॉक्टर के पास अमृत धारा में, वहाँ देखते हैं डॉक्टर क्या कहेंगे। और ये मम्मा मेरे लिए, नीचे दिखाओ मम्मा मेरे लिए अनार छील दिया, और ये खटका खटके इन लोगों इनको इनके लिए फ्रूट लेके आए थे, उठ गया डीयू फ्रूट। आ चुके हैं डॉक्टर के पास से, वहाँ तो हुआ नहीं काम, मीन्स उन जिन डॉक्टर के पास गए थे उन्होंने तो मना कर दिया, बोले कि आप अमृत धारा में कोई डॉक्टर हैं उनको दिखाओ। तो इवनिंग में देखते हैं उनके पास जाते हैं। तो जिया बोली मेरे लिए अनार लो, डीयू के अंगूर फेवरेट है और मोनू के आम फेवरेट है मैंगो, और एप्पल मेरी फेवरेट है। तो सबके अपने अलग अलग सारे फ्रूट्स ले आए, जो भी जिसको जो भी खाना था मैं वही ले आई, सबके अलग अलग। हो गया बेटा काम है, खेलने लगी मम्मा जी। और ये मैं आपको बोल इसका बैग। तो अभी बज गए हैं 7:15 हो गए हैं, 7:15 हो गए हैं। और जिया की फ्रेंड आई है लड्डू अपनी स्क्रैप बुक का काम करने, और उसकी सिस्टर दिशा, जो मैं बना रही हूं ये देखो। हेलो। और आज मैंने बनाई है रबड़ी। नहीं बेटा, रबड़ी तो मीठी होती है, फिर ये है अपनी देसी जो बोलते हैं ना रबड़ी, जिस जिसको पता हो भाई वो कमेंट करना। हरियाणा में खाते हैं लोग लस्सी से और गेहूं के आटे से बनती है राबड़ी। तो बताना भाई किस किस को पता है ये चीज को, किस किस ने खाई है जरूर बताना भाई। देखो इसको,
गया है। और ऐसे रोटियां कौन करता है बेटा, ऐसे कौन करता डी वो? क्या कर रहा डीयू? डीयू डीयू देखो ये कर रही है जिया के साथ मस्ती। जियू डीयू ये कर रहे हैं आपस में मस्ती। और हमने खाया था खाना, दूध गर्म करना रख दिया मैंने, दूध गर्म हो जाएगा। और गर्म हो चुका है, गर्म कर लिया मैंने दूध। अब मेरे पड़े हैं बर्तन, मैं बर्तन करूँगी। बर्तन करके फिर कुछ बच्चों को संभालती हूँ, बच्चों को जिया को और दिया को दूध दूंगी, दोनों दूध पी के फिर सोएंगे। फिलहाल तो वो उसको रख रही है, थोड़ी देर ही रुकती है वो उनके पास, ज़्यादा टाइम नहीं रुकती, रोने लग जाती है। साफ़ सफाई करती हूँ उसके। हो गए थे मेरे, अब किचन फैला पड़ा है, अब इसको समेटूंगी, पहले साफ सफाई करके इसको समेटूंगी, फिर जाके अंदर जाके मैं उनके साथ बैठूंगी जहाँ वो एंजॉय कर रहे हैं आराम से सारे के सारे। किचन का काम कंप्लीट है, हो चुका है। दही जमा दी है मैंने, दही जमाई है। अभी दूध रखा है बच्चों का ठंडा करने के लिए, फिर बच्चों का दूध दूंगी। क्वेश्चन किया था कि हरियाणा में जो मैंने आज रबड़ी बनाई है भाई, वो वैसे तो लोग रबड़ी रबड़ी कहते हैं, पर हमारे हरियाणा में रबड़ी क्या अगर तो वो रबड़ी किस किस ने खाई है और किस किस के घर बनती है गर्मियों में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है बनाना, वो आपको कैसा लगता है, कहाँ से देख रहे हो, वो सब भी आप ज़रूर बताना भाई मुझे। देखा तो है आज मेरा फर्स्ट जो व्लॉग था, देखा तो है 100 से ऊपर ही देखा है, मतलब 139 देखा है अभी तक। तो क्या टाइम हो गया, अभी 9 बज गए हैं, 139 व्यूज़ हैं उस पर। तो मुझे अच्छा लगा, चलो इतने लोगों ने तो देखा। अभी जैसे धीरे धीरे शुरुआत हुई है तो और लोग भी देखेंगे और भी जानेंगे, बताएंगे कि कौन कौन देख रहा है। अच्छा लगता है ऐसे भी, कोई अगर हमें अब हम अपना टाइम निकाल के आपको कुछ दिखा रहे हैं और आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी बेटा बोलो क्या चाहिए। आपने बोलना था करवाओगे। चलो अभी कराती हूँ और फिर इसकी एडिटिंग करूँगी, साथ साथ आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। जिया को पढ़ा रही हूँ भाई। मम्मा डी आई के बाद क्या? डी आई आर टी वाई डर टी है। और सोने का टाइम हो गया डी का। दूध ठंडा हो गया, दूध दे के दोनों को फिर हम सोएंगे, नीनी करेंगे, है ना बेटा? सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाना है ना आपको, तो गुड नाइट बोलो। और सोने का टाइम हो गया डीयू का। दूध ठंडा हो गया, दूध दे के दोनों को फिर हम सोएंगे, नीनी करेंगे, है ना बेटा? सुबह स्कूल जाना है, सुबह स्कूल जाना है ना आपको, तो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट एवरीवन। परसों की छुट्टी है मेरी। परसों की छुट्टी है किस चीज की? एक्टिविटी है। वैसाखी है बेटा।
वैसाखी है। डीओ गुड नाइट, बाय बोलो बाय, गुड नाइट। मम्मा कौन से हाथ में बताओ एक चीज है, कौन से हाथ? गुड नाइट मोनू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। इसको देखो ये कैसे देख रही, गुड नाइट। मम्मा जी कौन से हाथ? डीओ। अच्छा मम्मी जी बोलना, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी बोलो, मम्मी जी, ए मम्मा, ए मम्मी जी, मम्मा मम्मा।